Hey guys, welcome to my YouTube channel Universal Edit and welcome to my another video. So guys, आज हम edit करने वाले हैं dual tone photo editing. So guys, कुछ बात है आपको बताना है. वो जो मेरा ये channel है, ये मैं बंगाली के ऊपर बनाता था. बंगाली video बनाने बनाने तक जितना भी बंगाली भाई है मेरा, जो जितना भी मैं खुद एक बंगाली हूँ, so guys मैं बंगाली में photo editing समझता था कुछ अच्छा होगा, कुछ इंक्रेशन होगा. सो गाइस, मेरा जो सजेशन था वो मुझे बताया कि बंगाली में थोड़ी बहुत वायरल नहीं होती वीडियो. सो गाइस, आज की जो एडिटिंग है ये लाइटरूम प्रीमियम वर्सन की जो एडिटिंग है, सो गाइस आज हम करने वाले हैं हिंदी में. और आप चिंता मत कीजिएगा कि बंगाली में वीडियो आते रहेंगे, सिर्फ ये जो वाला एडिटिंग है ये हम करेंगे बंगाली में. सो मैं एक बंगाली हूँ, सो भूल चूक हो सकती है दोस्तों, क्षमा कर देना. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विद द वीडियो. सो गाइस, पहले तो इस ड्यूल टोन एडिटिंग में हमारी पिक्सआर्ट की बहुत ही काम है. सो गाइस, पहले हम ओपन कर लेंगे अपना पिक्सआर्ट एप्लीकेशन. पिक्सआर्ट एप्लीकेशन पे आने के बाद आज हम जो फोटो एडिटिंग करने वाले हैं वो है ये फोटो. सो गाइस, ये फोटो कोई डीएसएलआर से खींचा नहीं गया है, ये फोटो है रियलमी एक्स का. सो गाइस, मैंने इसका जो बैकग्राउंड है वो पहले से रिमूव करके रखा है. आप नहीं जानते जो कैसे बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं, सो गाइस यूट्यूब को जाकर आप सर्च मार सकता है कि हाउ टू रिमूव फोटो बैकग्राउंड विथ पिक्सआर्ट. सो गाइस, वहां से आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा. और आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं एक बैकग्राउंड रिमूवर वीडियो डालूंगा. सो गाइस, मैं पहले से इस वीडियो का बैकग्राउंड काट के रखा हूँ, तो देखते हैं. सो गाइस, ये है मेरा फोटो, मोबाइल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं. ये मैंने इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर दिया. सो गाइस, पहले जो काम है फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, क्योंकि ये जो एडिटिंग है ये एडिटिंग बहुत ही कमाल की होने वाली है. सो गाइस, पहले हम क्या करेंगे, ऐड फोटो में जाएंगे. ऐड फोटो में जाएंगे उसके बाद हम यहाँ से रिसेंट ऑप्शन से अपना डाउनलोड वाला ऑप्शन चुन लेंगे. सो गाइस, इस वीडियो में मैं जितने भी पीएनजी, जितने भी प्रीसेट, जितना भी जो कुछ भी यूज करूंगा वो आपकी मेरी जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है वहां पे जाके आपको मिल जाएगा. सो गाइस, पहले जो है एक लेंस पे पीएनजी यूज करूंगा. ये रेड वाला जो पीएनजी है मैंने इसको ले लिया, आप देख ही सकते हैं ये जो रेड वाला है मेरे फोटो में एक रेड लुक देगा. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट. तो पहले हमको क्या करना है, इसको थोड़ी बहुत बड़ा करना है ऐसे. उसके बाद हम इसको ऐसे ऐसे करके इंक्रीज करके यहाँ तक ला देंगे. तो यहाँ तक ऐसे देने के बाद इसका जो ब्लेंडिंग मोड है, ये जो ब्लेंडिंग मोड है इसको हम कर देंगे स्क्रीन, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो आप देख रहे हैं मेरा फोटो की साइड से जो रेड टोन आ रहा है, ऐसे लगता है पोर्ट शूट में गया होगा. सो गाइस, पहले तो स्टे हो गया, इसको थोड़ी बहुत ऐसे करके थोड़ी बहुत ऐसे, बस ये जो डन हो गया. सो गाइस, इसके बाद हमको क्या करना है, फिर से ऐड फोटो में जाना है और फिर से आपको डाउनलोड ऑप्शन चूज करना है. और इसके बाद फिर से मुझे ले लेना है ये जो रेड वाला है इसको. तो गाइस, आप सोचेंगे मैं ब्लू टोन कहां से लेकर आऊंगा. सो गाइस, इसको हम इंक्रीज करते हैं पहले ऐसे, उसके बाद हम जाते हैं एडजस्ट में, उसके बाद ह्यू में, और इसका जो कलर फिल्टर है उसको हम कर देते हैं ब्लू. तो ये ब्लू हो गया, डन कर देते हैं. इसको पहले बड़ा करते हैं ऐसे 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 इंक्रीज करते हैं, उसके बाद इसकी ब्लेंडिंग मोड को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई. सो गाइस, आप देख ही सकते हैं कि एक क्लिक में ये जो फोटो है ये ड्यूल टोन फोटो एडिटिंग हो गया है. बट अभी भी आप चिंता मत कीजिए, बहुत कम बाकी है. सो गाइस, ये जो है ये कंप्लीट हो गया, इसको हम अच्छे से बैठा लाते हैं, बस ये जो डन हो गया. मेरा ये जो लेंस फ्लेयर पिन दे दूंगा आपकी मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं. सो गाइस, ये जो टोन है, टोन तो आ गया. इसके बाद इसको हम कुछ फेक जैसा लग रहा है, इसको मैं कुछ रिटचिंग करूंगा. सो गाइस, यहां से हम चले जाते हैं ड्रॉ टूल में, और उसके बाद हम इसको थ्री डॉट में क्लिक करके यहां पर सेव कर लेते हैं. तो गाइस, ये फोटो सेव हो गए हैं. तो अब हम यहां से जाएंगे कहां, मेरे लाइटरूम ऐप में. लाइटरूम है वैसे एक ऐप, और वन मिनट गाइस, आज हम जो लाइटरूम यूज करने वाले हैं वो है प्रीमियम वर्जन का लाइटरूम. लाइटरूम के इस वर्जन में आपको सारी जो टूल्स है, लाइटरूम की सारी जो टूल्स है आप देख सकते हैं सभी टूल्स. वन मिनट आपको दिखा दें, मैं ये जो टूल्स है मैंने एक प्रीसेट किया, आप देख सकते हैं जो आप प्ले स्टोर में जो ऐप डाउनलोड करेंगे ये सिलेक्टिव टूल्स, ये हीलिंग वाला टूल्स, ये कुछ नहीं आएगा वहां पर. सो गाइस, आपको ये चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में एक 4.0 का लाइटरूम सीसी अपडेटेड वर्जन दे दूंगा. सो गाइस, पहले मुझे क्या करना है, यहां से ऐड फोटो में जाना है, और यहां से मैंने जो पिक अभी क्लिक किया पिक्सआर्ट से, सो यहां से ये ले लेना है. तो ऐड हो गया. सो गाइस, यहां पर जाके एक थोड़ी बहुत काम है, आप सिलेक्टिव टूल यूज करेंगे तो वहां पर एक दिक्कत होगी कि सिलेक्टिव टूल से आप काम फर्स्ट बार में नहीं कर सकते.
सो आपकी हेल्प के लिए, आप सभी को हेल्प के लिए मैं एक प्रीसेट बना चुका हूँ। ये जो एनिस बी नीरज शर्मा भाई का प्रीसेट है, मैं उसे लेकर आया हूँ। सो गाइस, मैंने डिस्क्रिप्शन पे ये जो प्रीसेट है दे दूंगा। सो गाइस, इसका प्रीसेट की नाम है पिंक एंड ब्लू ड्यूल टोन लाइटरूम मोबाइल प्रीसेट। सो गाइस, आपके एडिटिंग इसमें बहुत ही गजब लगेगी। सो गाइस, ये प्रीसेट ओपन करने के बाद थ्री डॉट में चले जाएंगे, उसके बाद हम कॉपी सेटिंग कर लेंगे। कॉपी सेटिंग ओके हो जाने के बाद बैक में चले जाएंगे, वहां पर मेरे जो पिक्सर की जो फोटो है, मैंने जो वहां से सेव किया है, उस फोटो को यहां पर लाके खड़ा कर देंगे। उसके बाद फिर से थ्री डॉट में जाएंगे और यहां पर पेज सेटिंग कर देंगे। सो गाइस, आप देख ही सकते हैं जस्ट वन क्लिक में आपकी फोटो एक रेड एंड कूल टोन हो चुका है। सो गाइस, यहां पर जो काला टोन है वो थोड़ा डार्क सा नहीं लग रहा है, सब फेक सी लग रहा है। सो गाइस, यहां से हम कुछ रिटचिंग करेंगे, आप ध्यान से देखिए। सो इस पहले तो मैं यहाँ पर चलाऊंगा लाइट में, इसका जो वाइब्रेशन है वाइब्रेशन को थोड़ा कम कर दूंगा, मिक्स में जाऊंगा, इसका जो रेड टोन है रेड टोन को थोड़ा कम कर दूंगा, ये जो रेड टोन है इसको तो थोड़ा कम कर दूंगा, बहुत कम कर दूंगा, ये जो है ठीक है। ऑरेंज वाला टोन को हम थोड़ा बढ़ाएंगे, इसमें जो फेस का कलर है वो कलर चेंज हो जाएगा। और ये जो ब्लू टोन है, ये ब्लू टोन का फेदर लुक थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ा चेंज सेचुरेशन को थोड़ा बढ़ाएंगे और थोड़ा बढ़ाएंगे। सो गाइस, आप देख ही सकते हैं ये जो फोटो एडिटिंग है ये गजब की लग रही है। सो गाइस, ये एडिटिंग आपको बहुत आसानी से मैंने सिखा चुका हूँ। सो गाइस, आज की वीडियो इस तक। और हाँ, आपकी जो फेस है, फेस को स्मूथ करने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर स्वार्पनिंग और नॉइज रेडिएशन और कलर रेडिएशन को आप 58, 50 या 74 ऐसे रख सकता है। सो ऐसे करने के बाद आपकी जो फेस है, फेस की जो स्मूथनेस है, स्मूथनेस बहुत ही बढ़ जाएगी। सो गाइस, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस फोटो को सेव कर लेंगे। सो गाइस, थ्री डॉट में जाएंगे और सेव टू डिवाइस के हाई क्वालिटी में फोटो को सेव कर लेंगे। सो गाइस, वीडियो आपको अच्छा लगी होगी तो आप एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना।